मूवी स्टार्ट होती है डू लिटिल नाम के एक लड़के से, जिसकी एक बहुत स्पेशल पावर थी कि वो एनिमल से बात कर लिया करता था और जल्द ही बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। यहाँ तक कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड को भी पता चल गया था उसके टैलेंट के बारे में और इसी वजह से खुश होकर उन्होंने डू लिटिल को एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल गिफ्ट किया ताकि वो एनिमल्स का इलाज कर सके और उनकी देखभाल कर सके। डू लिटिल को लिली नाम की एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी, वो एक बहुत अमेजिंग एक्सप्लोरर भी थी और इसी वजह से ये दोनों मिलकर दुनिया के छोटे छोटे कोनों तक जाकर एनिमल्स की मदद किया करते थे। इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना इतना पसंद था कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद ये दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे थे। फिर एक दिन इनको ऐसी नजर लगी कि समंदर के तूफान में लिली कहीं खो गई थी। अब इस चीज से डू लिटिल इतना ज्यादा डिसहार्ट हो गया कि उसका दिल नहीं लग रहा था काम में, उसने अपना काम बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका हॉस्पिटल भी बंद हो गया था। इसके साथ ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टॉमी था। वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। जहाँ पर लोग आजकल एनिमल्स को मार रहे थे, उसको एनिमल्स बहुत पसंद थे। वो अपने बड़े भाई और फादर के साथ एनिमल हंट करने के लिए फॉरेस्ट में आया था, जहाँ पर गलती से एक गिलहरी को चोट लग जाती है। उसके फादर टॉमी से कहते हैं कि इसको तुम मार दो, पर उससे ये हो नहीं पा रहा था। टॉमी चाहता था कि किसी भी तरीके से इस गिलहरी को बचा लिया जाए। यहाँ पर एक उड़ता हुआ बर्ड उसके पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए इशारा देता है, जिसके बाद टॉमी उस गिलहरी को लेके उसके साथ साथ उसके पीछे उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये डू लिटिल का ही हॉस्पिटल था। यहाँ पर बाहर उसे एक बियर नजर आता है, जिससे डर कर जब वो भाग रहा था तो एक ट्रैप में फंस जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं डू लिटिल को, जो कि उसी हॉस्पिटल में बैठ के एक एनिमल के साथ छोटे छोटे चूहों की वजह से चेस खेल रहा था। यहाँ पर वही बर्ड पॉली आता है और बताता है कि कैसे एक लड़का आया है और उसके पास कोई एनिमल है जो कि शायद इंजर्ड हो चुका है। डू लिटिल काफी घबरा जाता है और उसे कहता है कि मैं किसी इंसान से मिलना नहीं चाहता। साथ ही हम देखते हैं कि टॉमी के पास एक लड़की आती है, ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड की बेटी रोज थी, जो कि उसे छुड़वा कर अंदर डू लिटिल के पास लेकर आती है। इसके साथ ही टॉमी उस गिलहरी को लेकर डू लिटिल के पास आता है। इतनी ज्यादा दर्द में उस गिलहरी को देखकर डू लिटिल का दिल भी पिघल जाता है और वो फौरन अपने सारे एनिमल फ्रेंड्स को कहता है कि ऑपरेशन टेबल रेडी करो। ये देख कर टॉमी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है कि कैसे डू लिटिल एनिमल से बात कर रहा है। अब टॉमी की विश थी कि वो किसी तरीके से डू लिटिल के पास ही रह जाए ताकि उसे सीख सके कि एनिमल से बात कैसे करते हैं। अब देखते ही देखते डू लिटिल जल्दी जल्दी उस गिलहरी को बचा लेता है। साथ ही रोज डू लिटिल को बताती है कि क्वीन की तबीयत ठीक नहीं और वो डू लिटिल को बुला रही है, जिसके बाद वो साथ ये भी कहती है कि अगर क्वीन को कुछ हो गया तो ये हॉस्पिटल भी नहीं बचेगा। डू लिटिल अपने कुछ एनिमल फ्रेंड्स को लेकर क्वीन के पास पहुंच जाता है। उनके रूम में उनका डॉक्टर ब्लेयर भी मौजूद था, जो कि देख कर के इतने एनिमल्स इस रूम में आ गए हैं काफी गुस्से में आता है। इसके बाद डू लिटिल अपने डॉग जिप को कहता है कि स्निफ करके बताओ कि क्वीन को इशू क्या हुआ है। अब जिप बताता है डू लिटिल को कि उसने ऐसी स्मेल पहले बिल्कुल भी नहीं सूंघी थी और उसका कहना ये था कि शायद क्वीन को पॉइजन किया गया है। क्वीन के रूम में एक बहुत बड़ा सा एक्वेरियम था जिसमें एक ऑक्टोपस भी था। इसके बाद डू लिटिल उस ऑक्टोपस से पूछता है कि रूम में क्या हुआ था, जिस पर वो ऑक्टोपस बताता है कि क्वीन ने चाय पी थी। इसके बाद वो समझ आता है कि क्या हुआ था, जिसके बाद डू लिटिल सबको बताता है कि क्वीन को एक बहुत ही रेयर पॉइजन दिया गया है जिसका नाम नाइट शेयर है। इसके साथ ही डू लिटिल ये भी बताता है कि अगर कुछ दिन तक कोई भी एंटीडोट ना दिया गया, यानी कि कोई भी इलाज ना किया गया, तो क्वीन मर जाएंगी और इसका इलाज सिर्फ एक ही है, जो कि एक बहुत ही रेयर फ्रूट है जिसका नाम ईडन है। इसके बाद डू लिटिल डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर इस फ्रूट को लेकर आएगा, जिसके बाद वो अपने डॉग जिप को क्वीन के पास ही छोड़ देता है ताकि वहाँ पर उसकी रखवाली कर सके और खुद निकल जाता है इस एडवेंचर के ऊपर। टॉमी डू लिटिल से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर डू लिटिल उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए, जिसके बाद टॉमी उसकी बात सुनकर घर वापस चला जाता है। अब रात होती है तो वही बर्ड एक जिराफ के साथ टॉमी के घर जाता है, जिसके बाद टॉमी उस जिराफ की बैक पर बैठकर डू लिटिल के पीछे पीछे निकल पड़ता है। पर इससे पहले कि ये लोग शिप तक पहुंच जाते, डू लिटिल उस शिप में जा चुका था, जिसके बाद करीब के ही एक टूटे हुए ब्रिज की वजह से ये लोग उस शिप तक
बहुत मुश्किल से पहुंच जाते हैं। डू लिटिल इस बात से काफी ज्यादा नाराज होता है और पॉली से कहता है कि तुम इसको अपने साथ क्यों लेकर आई हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जिस पर पॉली बताती है कि इस एडवेंचर पर तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन का एक चेयरमैन इस डॉक्टर के साथ मिलकर क्वीन को मारने का प्लान कर रहा है। ये चेयरमैन डॉक्टर ब्लेयर को कहता है कि तुम्हें डू लिटिल के पीछे जाना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि ये दोबारा कभी यहाँ क्वीन तक वापस ना पहुँच सके, कहीं ऐसा ना हो कि ये क्वीन को बचा ले। डू लिटिल जब अपने सफर में आगे बढ़ रहा था तो वो पीछे देखता है कि एक बहुत बड़ी सी शिप आ रही है जो कि डॉक्टर ब्लेयर की थी। वो सिर्फ इसीलिए आगे जा रहा था ताकि डू लिटिल को मार दे। इसके बाद डू लिटिल एक बहुत बड़ी सी व्हेल को आवाज देता है, जिसके बाद वो अपनी शिप को उस व्हेल के साथ बांध देता है ताकि वो व्हेल इनकी शिप को दूर ले जाए और पीछे वाली शिप उन तक पहुँच ना सके। ये लोग आगे एक आइलैंड तक पहुँचते हैं जहाँ पर डू लिटिल को एक बुक चुरानी थी। उस बुक में एक मैप था जो कि इन्हें ईडन फूड तक पहुँचा देगा, पर यहाँ के किंग की डू लिटिल से कुछ बनती नहीं थी क्योंकि लिली उस किंग की बेटी थी जिससे भाग कर डू लिटिल ने शादी की थी। अब डू लिटिल और टॉमी खुद को चेंज करके पैलेस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर छोटी छोटी एंट्स और छोटी छोटी फ्लाइज की मदद से ये लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बुक पड़ी थी। पर इस जगह के अंदर एक और गेट था जिसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था, जिसके बाद टॉमी कहता है कि मैं इसमें आराम से जा सकता हूँ। वो एक ड्रैगन फ्लाई की मदद से अंदर चला जाता है जहाँ पर एक रूम था। उस रूम के अंदर किंग के साथ बहुत सारे लॉयन सो रहे थे। टॉमी बहुत ही ख्याल से और ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता करके उस बुक के पास तक जाता है, पर ड्रैगन फ्लाई की कुछ हरकतों की वजह से एक लॉयन जाग जाता है और उसके जागने के साथ ही किंग भी उठ जाता है। इसके बाद टॉमी और डू लिटिल पकड़े जाते हैं जिसके बाद उनको बंद कर दिया जाता है। वहाँ का किंग टॉमी को अपने साथ ले जाता है और जिस जगह पर डू लिटिल बंद था वहाँ पर एक लॉयन को छोड़ दिया जाता है। टॉमी उस ड्रैगन फ्लाई को एक मैसेज देता है कि जाकर शिप में सारे एनिमल्स को बता दो कि हम खतरे में हैं। वो ड्रैगन फ्लाई जैसे ही शिप पर पहुंचता है तो पॉली को बताता है कि कैसे डू लिटिल और टॉमी बहुत ज्यादा खतरे में हैं। पॉली ये सुनते ही शिप के सारे एनिमल्स को लेकर पैलेस पर अटैक कर देती है। डू लिटिल का गोरिल्ला जब देखता है कि एक लॉयन है जो कि डू लिटिल पर अटैक कर रहा है तो वो लॉयन से बहुत ज्यादा लड़ता है और डू लिटिल को फ्री करके वहाँ से निकाल लेता है। दूसरी तरफ टॉमी भी वो बुक लेकर अब भाग रहा था, जिसके बाद ये लोग अपनी शिप तक पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर ब्लेयर भी पहुँच चुका है अपने बहुत सारे आदमियों के साथ। इसके बाद डॉक्टर ब्लेयर इनकी शिप को बहुत ही बुरे तरीके से तबाह कर देता है और वो बुक लेकर चला जाता है। यहाँ के किंग को जब सारी स्टोरी पता चलती है तो वो लिली की वजह से डू लिटिल को माफ कर देता है और इनको एक बहुत बड़ी सी शिप गिफ्ट भी करता है ताकि ये लोग आराम से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सके। इसके बाद डू लिटिल कुछ वेल से बात करके उनसे पूछता है कि डॉक्टर ब्लेयर कहाँ गया है, जिसके बाद वो फॉलो करते करते उस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो फ्रूट था। बहुत ही खतरनाक सी माउंटेन्स को क्रॉस करके ये लोग एक बहुत बड़े से केव में पहुँचते हैं जहाँ पर डॉक्टर ब्लेयर अपने आदमियों के साथ ऑलरेडी पहुँच चुका था। एक बार फिर से ये लोग डॉक्टर ब्लेयर के जाल में फंस जाते हैं और सारे के सारे पकड़े जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ब्लेयर डू लिटिल को अपनी पावर के बारे में बता रहा था, इतना जोश दिखा रहा था कि अचानक से सारे केव के अंदर छोटी छोटी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये लाइट्स नहीं थी बल्कि लावा जैसा कुछ था। साथ ही यहाँ पर हम एक बहुत बड़े से खौफनाक ड्रैगन को देखते हैं जो कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में था। एक एक करके वो ब्लेयर के सारे आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो ब्लेयर को भी खत्म कर देता है। इसके बाद ये ड्रैगन डू लिटिल को पकड़ता है और उसे खाने ही वाला था के साथ ही डू लिटिल उससे बात करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द का इलाज कर सकता हूँ। पता चलता है कि इस ड्रैगन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद डू लिटिल उसका इलाज करता है और एक एक करके उसके पेट में से वो सारी चीजें निकालता है जिससे उस ड्रैगन को दर्द हो रहा था। उसके पेट में बहुत सारे आदमियों की शील्ड्स थी जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जैसे ही ये सब सामान बाहर निकलता है उस ड्रैगन का पेन सारा का सारा चला जाता है, जिसके बाद वो डू लिटिल को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता है। इसके बाद ये ड्रैगन ही इन सबको उस जगह तक लेकर जाता है जहाँ पर वो फ्रूट लगा था, जिसके बाद ये लोग एक फ्रूट वहाँ से तोड़ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कैसल में क्वीन किसी भी टाइम पे मरने वाली थी, बस एंड टाइम पर डू लिटिल और उसके सारे एनिमल्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ का चेयरमैन बहुत सारे आदमियों के साथ ऑलरेडी रेडी था कि कहीं डू लिटिल यहाँ पर पहुँच ना जाए। क्वीन की तो हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी कि वो कोई ऑर्डर दे सकती। इसके बाद सारे आदमी इनको पकड़ लेते हैं, पर टॉमी बहुत बहादुरी से भागते भागते उस फ्रूट का जूस क्वीन को पिला ही देता है। जूस पीते साथ ही क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है
जिसको देखकर रोज उनकी बेटी बहुत खुश होती है। क्वीन बहुत ज्यादा हैरान थी कि ये हो क्या रहा है, जिसके बाद डू लिटिल उनको बताता है कि उनका अपना चेयरमैन ही उनको पॉइजन कर रहा था। इसके बाद क्वीन दो ऑर्डर देती है कि इस चेयरमैन को लेकर जाया जाए और उसको सजा दी जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि डू लिटिल का हॉस्पिटल फिर से एक्टिव हो गया है, जहाँ पर सारे एनिमल्स का फिर से इलाज होने लगा है, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।